Hey guys, what's up? Welcome to our channel, The Art Vegan. So, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वाटरकलर पोर्ट्रेट पेंटिंग कैसे करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो आपको हेल्प करेगा वाटरकलर पोर्ट्रेट पेंटिंग करने में। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप सबसे पहले पोर्ट्रेट को तो भिगा ले पानी से, देन जो फर्स्ट टोन है वो स्टार्ट करें, जो आपका सबसे लाइट टोन है उसको स्टार्ट करें, और याद रखिए जो व्हाइट है वो आपको छोड़ देना है फर्स्ट टोन में ही। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने फर्स्ट टोन में ही बहुत सारे कलर्स यूज किए हैं, तो आपको भी जैसे जो भी कलर सीख रहे हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं। गाइस, आप डायरेक्ट डार्क टोन पे मत जाए, आस्ते आस्ते आप टोन्स बढ़ाए, जैसे फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, थर्ड टोन, आस्ते आस्ते आप टोन्स को बढ़ाए। गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने सेकंड टोन में ही थर्ड टोन को यूज किया है, तो आप ऐसे ही आपको जहां पे लगे कि आपको सेकेंड टोन में ही थर्ड टोन को देना है, वो भीगा है जब, तब उसी टाइम में आप थर्ड टोन को दे सकते हो। गाइस, आप देख पा रहे हो जैसे मैं धीरे धीरे टोन्स बढ़ा रही हूँ, आपको ऐसे धीरे धीरे टोन्स बढ़ाने हैं, मोस्टली जो बिगनर्स है उसके लिए। गाइस, आप ट्राई कीजिएगा कि आपका हर एक टोन्स विजिबल हो, जैसे आपको पता है वाटर कलर विजिबल होना चाहिए, तो ऐसे ही आप विजिबल कोशिश कीजिएगा आपकी कलर्स, आपकी टोन्स विजिबल हो। गाइस, जब आपका टोन का स्टेप खत्म हो जाए, देन आप डिटेलिंग स्टार्ट करें। गाइस, आप कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्ट ब्लैक यूज ना करें। गाइस, आप वर्मिलियन रेड, सैव ग्रीन यूज कर सकते हो, जैसे दाढ़ी, मूंछ, आईब्रो पे, और पोर्ट्रेट्स के डार्क पार्ट में। गाइस, ऐसे ही आपको सारे पोर्ट्रेट्स करने हैं। गाइस, अगर आप
हमारे टिप्स यूज कर रहे हो तो आप हमें बता सकते हो कमेंट करके। और आप वीडियो देख रहे हो तो देखते देखते लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। गाइस आप आई बॉल्स पे कुछ हाइलाइट्स छोड़ सकते हो, उससे आपका आई बॉल्स आपका आई और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ पे मैंने पानी से पहले भिगा दिया है इसको, देन फर्स्ट टोन सेकंड टोन और थर्ड टोन दोनों को एक साथ ही, तीनों को एक साथ ही दिया है। गाइस आपको जहाँ पे जो जगह बड़ा दिख रहा है वहाँ पे आप पहले भिगा ले पानी से, देन कलर्स यूज करें। गाइस यहाँ पे मैंने हेयर्स के लिए वर्मिलियन रेड और प्रूशियन ब्लू का मिक्स करके यूज किया है, डायरेक्ट ब्लैक नहीं यूज किया है। गाइस अब बैकग्राउंड को भी ऐसे ही भिगा ले, देन कलर उसमें कलर दीजिए। अब बैकग्राउंड के लिए बड़े साइज का फ्लैट ब्रश यूज कीजिए। सो इट्स कंप्लीट नाउ। सो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और आपको हमें कमेंट करके बताना है कि हमारा वीडियो कैसा लगा, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।